इंडिया आज तक आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं दिलीप गुप्ता, देखते रहिए इंडिया आज तक लाइव टीवी चैनल में। आचार्य जी, भगवत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है जी, तो कहां पर है ये स्थान और कब होगा ये? ये श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन कल 17 नवंबर से प्रारंभ होकर के और 24 नवंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। ये कार्यक्रम निसनहट NIT 5 फरीदाबाद कक्कड़ केमिकल के नीचे बेसमेंट पर ये कार्यक्रम हो रहा है, सुविधाओं को देखते हुए। और कथा का जो टाइम होगा वो टाइम प्रतिदिन 2 बजे से 5 बजे तक होगा और कल विशाल 108 मंगल कलशों के द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जो कि शोभा यात्रा कल सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी और यहाँ से चल करके बांके बिहारी मंदिर में हम लोग पूजन करेंगे, वरुण पूजन और ग्रंथ का पूजन करके जल भर करके फिर वो यात्रा 5 नंबर मार्केट से होते हुए पुनः कथा स्थल तक पधारेगी। आचार्य जी, भक्ति भावना की बात करें तो आज कल देखने में आया कि हर घर से एक धर्म गुरु निकल रहा है। जी जी, और उसी की आड़ में गलत काम भी हो रहे हैं। जी जी, समाज में एक कुरीति की तरह फैल चुका है। जी जी जी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं समाज से यही कहना चाहूंगा कि समाज के प्रत्येक घर में रामचरितमानस रखी होनी चाहिए जी। और रामचरितमानस का जो उत्तर कांड है, पूरी रामायण ना पढ़ें, मैं नहीं कहता पूरी रामायण का पाठ करें, केवल उत्तर कांड का पाठ आप बच्चों को पढ़ाएं, खुद भी पढ़ाएं, तो ये जो विकृतियां आ रही हैं ये अपने आप दब जाएंगी। आज हुआ क्या है कि हम अध्यात्म से हम वंचित हो गए, जिस कारण से कोई भी सामने कपड़े पहन करके आ जाता है और अपना परिचय खुद देता जी। सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि परिचय तो समाज यदि परिचय दे जी। वो तो परिचय होता है, परंतु अपना परिचय खुद दे करके आज ये होड़ लगी हुई है कि वो जगत गुरु है, कोई ब्रह्मांड गुरु है, कोई चाहे जो कुछ भी लिख लीजिए, उसका कारण यही है कि आज हम अध्यात्म से वंचित हो गए। हमें मूलभूत जानकारी न होने के कारण हमारे ही पड़ोस में बढ़ते जा रहे हैं, रोज बढ़ रहे हैं, एक एक भगवान पैदा हो जाता है। जगत गुरु तो छोटा पड़ गया, अब तो भगवान पैदा हो रहे हैं रोज नए। तो वही आचार्य जी कह रहे हो, इसकी रोक के लिए क्या क्या, इसकी रोक के लिए प्रशासन को कुछ करना, इसकी रोक के लिए प्रशासन को एक वेरिफिकेशन का फॉर्म जी निकालना चाहिए और वेरिफिकेशन होनी चाहिए। वेरिफिकेशन के साथ ही शहर में वो कि कोई भी गतिविधि चलाए तो वेरिफिकेशन हो उसके बाद चलाए। कोई भी कार्यक्रम होता, बाहर से कोई भी आता है शहर के अंदर की कोई भी कार्यक्रम हो, तो प्रशासन को चाहिए उनका उसका बायोडाटा, उसकी वेरिफिकेशन, उसके बाद उसको एनओसी दी जाए कि ताकि किसी प्रकार की गतिविधि से हमारा समाज बचता रहे। प्रशासन भी करे, साथ में जो वहां के धर्म गुरु है, जो धर्माचार्य है, उनको भी चाहिए कि वो जागृति पैदा करें लोगों के अंदर, इतनी जागृति दे ताकि अच्छे और बुरे का हमें पता चले, सत्य क्या है, असत्य क्या है, शास्त्र किसे कहते हैं और कपोल कल्पित बातें क्या। आज प्राय करके शास्त्र को तो आगे रख दिया जाता है, पर बातें केवल कपोल कल्पित होती है क्योंकि आपको हमको आदत बन गई अच्छा सुनने की। अब मिर्च हमें नुकसान करेगा, परंतु मेरी रुचि है मिर्च खाने की, आप कहोगे नहीं कोई बात नहीं, मिर्च में तो बहुत फायदा है, मैं कहता हूँ ये बहुत बढ़िया है, और जो मिर्च के लिए मना कर रहा था वो गलत हो गया। तो आज ये विकृतियां इस कारण से आई, तो समाज में प्रशासन को, धर्माचारों को, सबको साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा, तब ये विकृतियां हटेंगी। उस विकृतियों के पीछे यही राज है। कथा कितने बजे से कितने बजे तक चलेगी, आपका प्रारंभ क्या है? कथा का टाइम प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, प्रतिदिन का टाइम रहेगा। 23 तारीख तक कथा, 24 को भंडारा। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है गुरुजी, अगर कथा की बात करें? इस कथा का मूल उद्देश्य तो एकादशी उद्यापन है। अच्छा, क्योंकि बहुत सी हमारे भक्त हैं जो एकादशी का उद्यापन नहीं कर सकते क्योंकि उसमें 26 ब्राह्मणों को फलाहार कराना, 26 को फिर भोजन कराना और फिर पूजन का सामान, फिर रिश्तेदारों को बुलाना, तो उतनी आमदनी न होने के कारण तो वो नहीं कर पाते, वो वंचित रह जाते। पर हमें पता है कि ऐसे भी हो सकता है, तो हमने शॉर्ट रास्ता निकाल करके ताकि उनके मन का एक वहम भी दूर हो, उन्हें ये न रहे कि हमारा एकादशी नहीं हुआ, अब तो बुढ़ापा आ गया, इसलिए उन लोगों के लिए भागवत का आयोजन किया गया है कि उनका एकादशी का उद्यापन हो जाएगा, धर्म का प्रचार होगा, धर्म का प्रचार होगा, कहीं ना कहीं एक समाज को एक संदेश मिलेगा। जी जी, एकादशी से आपको लोगों को, जनता के तक मैसेज पहुंचा रहे हैं आप, तो ये बताएं क्या कहना, क्या क्या फायदे होंगे?
इससे एकादशी से। एकादशी तो व्रत जो करता है, व्रत से तो कई फायदे हैं, स्वास्थ्य ठीक रहेगा और स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो मन ठीक रहेगा, मन ठीक होगा तो समाज ठीक रहेगा। तो व्रत के पीछे तो सामाजिक, आर्थिक और मानसिक सारे सभी तरह के सभी तरह विज्ञान है ये।